हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जिंदगी। और जैसा कि अभी आप लोगों ने समय देखा ही है, सुबह के 7:15 हो रहे हैं। तो मैंने पहले भी बता रखा है, सुबह उठते ही हमारा काम होता है इन कबूतरों को दाना देना। तो यहाँ पे हबीब जी बस उन कबूतरों को चावल दे रहे हैं, और देखिए कुछ देर में ये कबूतर आएंगे और सारे चावल को खा लेंगे। तो हमारी सुबह की शुरुआत ऐसी ही होती है। और चावल तो हबीब जी ने दे दिए, तो चलिए इन कबूतरों को पानी भी दे दिया जाए। और जो थोड़े बहुत पानी इस जग में बच गए हैं, उन्हें इन पौधों में अभी पतिदेव जी डाल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे, ये है रोज डे का मेरा तोहफा, जिसे रोज डे के नेक्स्ट डे हबीब जी लेकर के आए थे शाम को। और उसकी अगली सुबह हम लोग इस आलू वाले पौधे के गमले में उस रोज को लगाएंगे। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आलू कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी ये छोटे छोटे आलू देख करके। लेकिन ये कुछ दिन और रहते तो अच्छे खासे बड़े हो जाते। और पहली बार मैंने जब आलू के पौधे लगाए हैं तो उसमें से इतने आलू निकले हैं। मेरे पास कोई और गमला नहीं था, इस वजह से इस गमले से मुझे आलू निकालने पड़ रहे हैं, नहीं तो कुछ दिन मैं इसे और छोड़ती। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मेरे गमले में से कितने आलू निकल चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे इन आलूओं को देख करके, क्योंकि इन पौधों को मैंने लगाया था और उसमें से ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे आलू निकल चुके हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं इस रोज़ के प्लांट को, क्योंकि हबीब जी के द्वारा रोज़ डे के दिन मुझे रोज़ ना दे करके ये रोज़ के प्लांट दिए गए हैं, जिससे कि और ज़्यादा फ्लावर्स मेरे पास आते रहे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये पति देव जी का तोहफा, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और हमने मिल करके इस प्लांट को लगा दिए हैं इस गमले में। तो देखिए तो इस प्लांट को तो मैंने लगा लिए थे 9 तारीख को ही, और अभी आज सैटरडे है 13 तारीख, और आज अर्ली मॉर्निंग ही मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि आज हबीब जी को थोड़ी जल्दी ही ऑफिस के लिए निकलना है। तो चलिए मैं यहाँ पे छोले बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस सोक किए हुए मटर को प्रेशर कुकर में डाला है, और उसी के साथ उसमें पानी हल्दी नमक मैंने डाल करके चढ़ा दिए हैं। और वो काम अधूरे रह गए थे, इसलिए मैंने इन कबूतरों को दाना दे करके फिर से कंप्लीट किया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन कबूतरों को, ये दाना कितनी अच्छी तरह से चुग रहे हैं, और यही इनके लड़ाई झगड़े मौज मस्ती देखने में हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। और इतनी देर में मटर भी उबल चुके हैं, तो चलिए मैं इसमें अब तड़का लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है, उसी के साथ उसमें मैंने जीरा डाला है और तेजपत्ता और हींग, और ये थोड़े अब भुन चुके हैं, तो मैं इसमें ये लंबे कटे हुए प्याज डाल रही हूँ, जिसे मेरे हबीब जी ने काट करके रखे हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से उन्होंने कट किया इन प्याज को।
और अब इसके लिए थोड़ा सा मसाला भी तैयार कर लिया जाए। तो इसके लिए मैंने लिया है टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा। और इन सबको मैं बारीक पीस ले रही हूँ। तो ये देखिए, ये पीस करके रेडी है। और ये प्याज थोड़े से भून चुके हैं, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक और हल्दी। और ये प्याज अब अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ वो पीसे हुए मसाले जिसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके तैयार कर लिया था। और इस तरह से मसाले एक साथ पीस लेने से ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। और इसे अब मैं अच्छी तरह से ढक करके लगभग 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से भून जाएं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मसाले अच्छे थिक हो गए हैं और ये काफ़ी अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये कश्मीरी लाल मिर्च जो कि कलर के लिए है, ये ज़्यादा तीखे नहीं होते हैं। और उसी के साथ साथ मैंने इसमें पतंजलि के सब्जी मसाले को भी ऐड किया था, लेकिन वो क्लिप मुझसे शायद डिलीट हो गई है। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ये कसूरी मेथी, जिससे किसी भी तड़के में डालने से उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए, मसाले भी अच्छी तरह से भुन चुके थे, मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है। और अब मैं इसमें उबले हुए मटर भी डाल दे रही हूँ और इसे जितना थिक या फिर थीन आपको रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। अब इसे मैं कुछ देर के लिए और पका लूँगी, लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। और मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी थी, तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं शूट कर पाई और बस ये छोले की रेसिपी ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हबी जी को जल्दी ही निकलना था और मैं साथ साथ मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो हो चुकी थी, इस वजह से भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुबह में बनाए थे सत्तू की कचौरी और छोले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, ये है जिंदगी। और आज है दिन सैटरडे और अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं और हबी जी आज बहुत ही जल्दी निकल चुके हैं, वो 8:30 बजे आज चले गए थे। तो मैं अभी स्नान वगैरह करके रेडी हुई हूँ, तो चलती हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने। और आज बहुत दिनों के बाद मैं बहुत जल्दी उठी थी, इसलिए मेरे सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हो गए। वो तो ये 8:30 बजे निकले थे, इस वजह से मैंने तुरंत स्नान नहीं किया, नहीं तो मैं और भी जल्दी रेडी हो जाती। तो चलिए मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं अब अपने लिए भी नाश्ता तैयार कर ले रही हूँ। छोले तो बने हुए हैं, बस गर्मा गर्म कचौरियाँ तलनी हैं। और बहुत दिन के बाद मैं आज अकेले नाश्ता कर रही हूँ, मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है अकेले नाश्ता करने की, लेकिन अब भूख लगी हुई है तो अकेले ही आज करना पड़ेगा। और छोले वगैरह के साथ या फिर आलू की सब्जी के साथ ये पतली पतली कचौरियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मैं हमेशा लगभग मैं इसी तरह से पतली पतली कचौरियाँ ही बनाती हूँ सत्तू की। और आप इसे चाहे जितना पतला बेल सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं ये। तो चलिए, कचौरियाँ मैंने बेल ली हैं और अब इन्हें तलने की बारी।
तो देखिए यहाँ पे मेरा नाश्ता बनकर के रेडी है, और चलिए मैं अब नाश्ता कर लेती हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कचौरियाँ, देखिए कितनी सॉफ्ट हैं और बिल्कुल पतली है ये, और इसमें जो सत्तू है वो बिल्कुल आपस में चिपके रहते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कुछ भरा हुआ भी है। और इस तरह की छोले के साथ, इस तरह की सब्जी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स।